गैमेट फॉर्मेशन जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेनेटिक्स में जब आप प्रोसेस कराते हो तो उसमें यदि आप अपना गैमेट ही सही नहीं बना पाओगे तो फिर क्रॉस कैसे होगा, क्योंकि जितने भी क्रॉसेस होते हैं जेनेटिक्स में वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है गैमेट फॉर्मेशन। आप सभी को मालूम है, ये लोग आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो जेनेटिक्स में गैमेट्स किस तरीके से बनाई जाती है, इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है वो ऑलरेडी आप रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो। तो यहाँ जो गैमेट फॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं कि पेरेंट का यदि जीनोटाइप आपको दिया हुआ है तो सही तरीके की गैमेट्स आप किस तरीके से बनाएंगे। तो समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले ये समझते हैं कि गैमेट होती क्या है। तो गैमेट रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि गैमेट्स हैप्लॉइड हैं और दूसरा रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, जिनका काम क्या है, फ्यूजन करके, इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी, विच इज ए पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फ्यूजन करके इनका जो फंक्शन होता है वो होता है जाइगोट बनाना। जेनेटिक्स में जब आपको प्रोसेस दिए जाते हैं तो आपको पेरेंट का जीनोटाइप लिख करके दिया जाता है। तो पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो आप कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि जितने भी केसेस आपको मिलेंगे उन सभी में जो पेरेंट्स होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, और गैमेट्स हमेशा कैसी होती हैं, हैप्लॉइड, अभी आपको बताया। तो डिप्लॉइड से जब आप हैप्लॉइड कोई चीज बनाएंगे तो ये कंफर्म है कि आप कौन सा सेल डिवीजन यूज करेंगे, मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है। तो याद रखिए कि मेंडल के लॉ के हिसाब से जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर एक कैरेक्टर के लिए एक ही लोकस पर दो एलील्स प्रेजेंट होती हैं। तो सिंपल सा एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ समझने का, कि एक सिंपल सा फंडामेंटल आप याद रखिए कि एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन अल्फाबेट। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई जीनोटाइप दिया हुआ है ए ए बी बी, तो ये किस तरीके का क्रॉस है, इसमें कितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें जैसे देखिए आप कितने तरीके के अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, इसमें दो तरीके के अल्फाबेट यूज हो रहे हैं ए और बी। आपको इसको कैपिटल और स्मॉल के हिसाब से नहीं चलना है, ओवरऑल कैरेक्टर देखने हैं, तो ओवरऑल अल्फाबेट देखिए तो कितने अल्फाबेट्स हैं, टू टाइप्स। तो क्लियर समझ लीजिए अपने दिमाग में कि वन अल्फाबेट वन कैरेक्टर, तो दो अल्फाबेट बराबर टू कैरेक्टर्स, और ये क्रॉस कैसा हो गया हमारा, डाईहाइब्रिड। जब हम किसी क्रॉस को केवल एक कैरेक्टर कंसीडर करके कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब दो कैरेक्टर हम साइमल्टेनियसली एक ही साथ एक ही क्रॉस में कंसीडर करते हैं, द सेम क्रॉस बिकम्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। इफ वी कंसीडर थ्री कैरेक्टर्स इन द सेम क्रॉस देन इट बिकम्स अ ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, एंड सिमिलरली व्हेन वी कंसीडर मैनी कैरेक्टर साइमल्टेनियसली इन द सेम क्रॉस देन दिस क्रॉस इज कॉल्ड अ पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केस में आपको केवल दो ही कैरेक्टर्स मिलेंगे, यानी कि मोस्ट ऑफ द केस में आपको डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को ही सॉल्व करना है। किंतु जब आप अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जब एम्स की आपकी तैयारी करनी है आपको, तो फिर आपको ट्राईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड केसेस को भी सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चंस कम आएंगे पर संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैं आज आपको यही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। तो गैमेट्स बनाने के जो कुछ बेसिक रूल्स हैं और ट्रिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जब पेरेंट डिप्लॉयड है तो इसमें हर अल्फाबेट दो बार लिखा होगा। फॉर एग्जांपल डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें दो कैरेक्टर यूज हुए हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। तो इसका कोई जीनोटाइप आपको दिया जाएगा तो वो कुछ कुछ इस तरीके से होगा, ए ए बी बी या ए ए बी बी या ए स्मॉल ए कैपिटल बी या स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से कुछ उसकी शक्ल होगी देखने में। तो इससे आपको आइडिया लगा लेना है, क्योंकि हर अल्फाबेट दो बार लिखा हुआ है तो ये डिप्लॉइड केस है, ये गैमेट्स नहीं है, ये बल्कि पेरेंटल जीनोटाइप है। अब आपको क्या कहा गया है कि इससे आपको गैमेट बनानी है।
तो आपको मालूम है कि गैमिट हैप्लॉइड होती है और पेरेंट डिप्लॉइड है। तो ये एक थंब रूल पहला बार आपको याद रखना है कि हर अल्फाबेट गैमिट के अंदर केवल एक ही बार लिखा जाएगा। यानी कि यदि आपने इसकी गैमिट बनाई ए ए बी बी, जनरली बच्चे क्या करते हैं इसकी गैमिट बना देते हैं ए ए और बी बी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखिए गैमिट के अंदर ए ही केवल दो, ए जो है वो दो बार आ रहा है, जबकि आना चाहिए इसको एक बार, क्योंकि पेरेंट डिप्लॉइड है और गैमिट हैप्लॉइड है। तो जो ए पेरेंट में दो बार आ रहा है वो यहाँ पर केवल एक ही बार आएगा। इसी तरीके से बी यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक ही बार आना है। तो पहली चीज तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि केवल दो में से एक ही एलील गैमिट के अंदर आएगी। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि हर करेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हर गैमिट के अंदर होना चाहिए। दूसरी जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जैसे सपोज करें कि यहां पर दो कैरेक्टर हैं ए एंड बी। अब आप देखिए आपने जो गैमिट बनाई उसमें केवल ए का रिप्रेजेंटेशन तो है, बी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस वाली गैमिट को यदि आप देखें इसमें ए का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, केवल बी का रिप्रेजेंटेशन है। तो यदि ये गैमिट रिप्रोडक्शन में यूज हो गई और जायगोट बनाने में यूज हो गई तो सोचिए जो एम्ब्रियो डेवलप होगा इस जायगोट से उसके अंदर ए को कौन बनाएगा, ए कैरेक्टर तो मिस हो जाएगा। इसीलिए एक बात याद रखनी है कि हर करेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हर गैमिट में आना चाहिए किंतु हाफ अमाउंट में। तो दो रूल आपको समझ में आ गए। पहला रूल मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं आपको कि यहां जो दो एलील्स हैं पेरेंटल जीनोटाइप में उसमें से केवल एक ही एलील गैमिट के अंदर आएगी। दूसरी चीज, हर गैमिट के अंदर हर करेक्टर की एलील का आना बहुत जरूरी है, यानी कि हर करेक्टर का रिप्रेजेंटेशन गैमिट के अंदर होगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसकी सही एलील क्या बनेगी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ये हमारी बिल्कुल सही गैमिट बनेगी क्योंकि इसमें देखिए दो में से एक आ रहा है, इसमें भी दो में से एक आ रहा है और दोनों ही कैरेक्टर यानी कि ए एंड बी दोनों का रिप्रेजेंटेशन हमारी गैमिट के अंदर है। अब समझते हैं तीसरा रूल। मान लीजिए कि आपको एक जीनोटाइप दे रखा है ए ए बी बी, ये पेरेंटल जीनोटाइप है और आपसे कहा गया कि इसकी गैमिट बनाइए। तो आपने इसकी दो गैमिट बना दी, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या ये ठीक है? दोनों ही गैमिट बिल्कुल ठीक है, पर यहां और भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। कैपिटल ए जो है वो कंबाइन हो सकता है स्मॉल बी के साथ, इसी तरीके से स्मॉल ए जो है ये कैपिटल बी के साथ कंबाइन हो सकता है, ये भी दोनों गैमिट ठीक है। तो केवल हमें कुछ गैमिट बना करके नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमें एक्सप्लोर आउट करनी चाहिए। तो तीसरा थंब रूल ये है कि ऑल पॉसिबिलिटीज मस्ट बी एक्सप्लोर्ड आउट, सारी की सारी संभावनाएं आपको तलाशनी है जो जो गैमिट बना सकती है। क्या पता कौन सी गैमिट बने और वो रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाए, और यदि आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको यूज नहीं करेंगे तो आपका सारा क्रॉस गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ऑल पॉसिबिलिटीज मस्ट बी एक्सप्लोर्ड आउट। और ये सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, काफी लोग जानते भी हैं तो इसको आप बहुत जल्दी से समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं बाइफरकेशन मेथड। ये बहुत ईजी तरीका है और बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल करके आप गैमिट बना सकते हैं। देखिए बाइफरकेशन मेथड क्या है इसको समझिए। सपोज करें कि पेरेंटल जीनोटाइप है ए कैपिटल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी गैमिट बनाइए। तो आपको करना क्या है कि इन कैरेक्टर्स को आपको अलग अलग तोड़ लेना है। कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग कर लीजिए और कैपिटल बी स्मॉल बी को आप अलग कर लीजिए। कैपिटल ए स्मॉल ए को आप थोड़ा सा गैप दे करके इस तरह से अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इनको बाइफरकेट कर देंगे इस तरीके से। इस तरह से जब आपने बाइफरकेट कर दिया तो आपके पास फोर प्लेसेस बन गए। आपको अब करना क्या है, कैपिटल ए के सामने भी आपको कैपिटल बी स्मॉल बी लिखना है और उसी तरीके से आपको स्मॉल ए के आगे भी कैपिटल बी और स्मॉल बी लिखना है। और अब देखिए इनको कॉमन बनाइए, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो पहली गैमिट हमारी बनी कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरी गैमिट हमारी बनी कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर थर्ड गैमिट हमारी क्या बनेगी स्मॉल ए कैपिटल बी, और फोर्थ गैमिट हमारी बनेगी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिसके द्वारा आप आसानी से इसको समझ सकते हो। एक ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल भी हम लोग लेकर के इस चीज को समझ सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्रॉस दिया हुआ है ए ए बी बी और डी डी, जहां तीनों पेयर जो है हेटरोजाइगस कंडीशन में है, तो इसको आपको समझना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ए और ए को आपको दूर दूर लिख लेना है, इनको बाइफरकेट करिए, उसके बाद सेकंड जो आपका कैरेक्टर है बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी इसको लिखिए, फिर इनको भी बाइफरकेट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं, तो तीसरे के लिए भी इसको फर्दर बाइफरकेट करना है, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। अब इसमें से कॉमन बना लीजिए आप, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, इसी तरीके से यहाँ देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। तो इस तरीके से आप देखिए एट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म एंड ईच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो वी कैन से एट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। यहां एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे सपोज करें कि हम कोई क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल ए ए और कैपिटल बी बी, इसकी आपको एक गैमेट बनानी है, एक पेरेंटल जीनोटाइप आपको दिया हुआ है, इससे आप कितने टाइप की गैमेट बना सकते हो, केवल एक ही टाइप की बना सकते हैं, किंतु नंबर कितना होगा, नंबर तो मिलियंस हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो कितनी गैमेट बनेंगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने टाइप की बनेंगी ये इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिए कि जेनेटिक्स में जब हम क्रॉसेस कराते हैं तो कितने टाइप की गैमेट बनेंगी, दैट इज क्वालिटी ऑफ गैमेट्स इज इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी गैमेट्स आर फॉर्म दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक मेथड है, वो है 2 to the power n, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आसानी से बहुत कम समय में ये बता सकते हो कि कितने टाइप की गैमेट बनेंगे। इसमें n की वैल्यू क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ n का नंबर है नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर, इसको नोट कर लीजिए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर्स। अब इस केस को देखिए, यहां पर हेटरोजाइगस पेयर्स कितने हैं, ये एक पेयर है, एक कैरेक्टर एक पेयर होता है, ये दूसरा पेयर है, ये भी हेटरोजाइगस कंडीशन में, ये भी हेटरोजाइगस कंडीशन में, तो इस केस में n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो आंसर क्या हो गया आपका 2 to the power 2, दैट इज 4, और आपने देखा भी 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू क्या होगी, ये हेटरोजाइगस है, ये भी हेटरोजाइगस है और ये भी हेटरोजाइगस है, तीनों हेटरोजाइगस है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8, और अभी आपने देखा था कि 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। अब यहां पर देखिए ये भी एक जीनोटाइप है, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए कैपिटल ए ये होमोजाइगस है हेटरोजाइगस नहीं है, ये भी होमोजाइगस है हेटरोजाइगस नहीं है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई 0, और 2 to the power 0 इक्वल्स टू 1, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है 1, तो उसी तरह से आपने देखा केवल एक ही टाइप की गैमेट बनेगी कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको कि आपने अभी क्या देखा, एन में केवल हम हेटरोजाइगस पेयर को कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो होमोजाइगोसिटी है या होमोजाइगस पेयर्स जो होते हैं ये टाइप ऑफ गैमेट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, यानी कि ये उसके नंबर पे इफेक्ट नहीं डालते, इफेक्ट कौन डालता है, हेटरोजाइगस पेयर। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ कैपिटल डी और स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी होता तो कितने टाइप की गैमेट बनती, क्योंकि उस केस में n की वैल्यू 2 हो जाती तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। इस चीज को चेक करते हैं, यदि यहां दोनों ही कैपिटल डी होते तो यहां पर स्मॉल डी की जगह हम कैपिटल डी लिख देते। अब आप देखिए कितने टाइप की गैमेट्स बनी, अपेरेंटली तो आपको लग रहा है 8 बनी, पर ये 8 नहीं है, ये 4 टाइप्स ही है, क्यों, क्योंकि आप देखिए ये दोनों कॉमन हो गई, अब ये दोनों एक जैसी हो गई, ये दोनों एक जैसी हो गई, ये दोनों एक जैसी हो गई और ये दोनों एक जैसी हो गई, तो टोटल आपकी 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनी, 1 टाइप सेकंड टाइप थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो होमोजाइगस पेयर होता है ये गैमेट की क्वालिटी पर कोई असर नहीं डालता,
हेट्रोजाइगस पेयर की वजह से गैमेट्स की क्वालिटी अफेक्ट होती है और इससे उसका नंबर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस पर बहुत प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा मल्टीपल केसेस लीजिए। एक जीनोटाइप सिंपल सा हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपके लिए लिख दिया के स्मॉल के कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल आर कैपिटल आर। ये एक पेरेंटल जीनोटाइप है जिसमें फाइव करेक्टर्स आर इन्वॉल्व, के एल एम एन एंड आर। अब आप बताइए इसमें कितने टाइप की गैमीट बनेगी। ये क्वेश्चन यदि नीट में आता है तो आपको कितना क्विकली इसको रिस्पॉन्ड करना है। ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस पेयर कितने हुए, 1, 2 एंड 3। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 3। 2 to the power 8 तुरंत आपने बता दिया कि सर यदि हम इसका बाइफरकेशन मेथड करके बनाएंगे सारी गैमिट्स तो वो गैमिट्स केवल 80 टाइप की बनेंगी, ठीक है ना। आप यदि एन की वैल्यू 5 ले लोगे तो ये 32 हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है कि जो होमोजाइगस पेयर्स हैं इनको आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये गैमिट की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में अच्छे से आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और अपनी कॉपी लेकर के प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे, तो गैमिट फॉर्मेशन पर आपको मास्टरी हो जाएगी, फिर आप बहुत क्विकली इसको कर पाएंगे। तो याद रखिए कि नीट के एग्जाम में या एम्स के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन सही भी करते हो किंतु टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप टाइम ज़्यादा ले लोगे तो दूसरे क्वेश्चन जो बहुत ईजी थे, जो उसके बाद आने वाले थे, वो सारे के सारे आप सेक्रीफाइस करोगे। तो इसलिए आपको न केवल क्वेश्चन सही करना है बल्कि उसको बहुत क्विकली भी करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा तरीका, शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया है, इसकी प्रैक्टिस करिए। नए वीडियोज़ भी आप देखते रहिए क्योंकि नए वीडियोज़ बहुत सारे अभी आने वाले हैं और जेनेटिक्स के ऊपर ही आने वाले हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा तुरंत आपको अलर्ट मिल जाएगा और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि जितना आप सर्कुलेशन करेंगे तो आप एक अपने लिए कंपटीशन डेवलप करेंगे जिसमें आपको विनर की तरह इमर्ज आउट होना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट।